तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों उद्धव ठाकरे की सरकार में कितने मंत्रियों को यहां पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और किसे कौन सा मंत्रालय यहां पर मिला है, और बात करेंगे उद्धव ठाकरे को यहां पर कौन सा मंत्रालय यहां पर मिला है, तो पुत्र मोहिम में शिवसेना है। तो ऐसे में अब यहाँ पर आखिरकार अजीत पवार अब डिप्टी सीएम बने हैं और शरद पवार के साथ मिलकर अब शिवसेना ने फाइनली यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी की सरकार बन चुकी है और अब यहाँ पर कह सकते 42 मंत्रियों की शपथ ग्रहण हो चुकी है और आदित्य ठाकरे को कौन सा मंत्रालय मिला है। सबसे पहले बात करते 26 जो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं उसमें अगर बात करते शिवसेना को कितने और एनसीपी कांग्रेस को कितने मंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं, और अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो नाम है वो है अजीत पवार का, जो पहले यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आए थे और डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी और यहाँ पर सरकार गिरने के कारण अब एक बार फिर से यहाँ पर दोबारा से अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की है। और अगर अशोक चौहान की बात करें तो कांग्रेस के साथ है, उन्होंने यहाँ पर मंत्री पद उनको मिला है, कैबिनेट मंत्री बने हैं। और अगर बात करें तो 50 करोड़ की उनके पास संपत्ति है, 60 साल के वो हैं। दिलीप यहाँ पर बल से पाटिल यहाँ पर एनसीपी की तरफ से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और धनंजय मुंडे यहाँ पर कह सकते हैं कि एनसीपी की तरफ से बनाए गए हैं। विजय भट्टीवार यहाँ पर नए कैबिनेट मंत्री बने हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। अनिल देशमुख यहाँ पर एनसीपी की तरफ से हैं, 69 वर्ष के हैं और 14 करोड़ उनके पास कुल संपत्ति है और यहाँ पर एनसीपी की तरफ से वो बनाए गए हैं। हसन यहाँ पर मजीद जो है एनसीपी की तरफ से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। वर्षा गायक बाड़ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, संदीपन घुमरे यहाँ पर शिवसेना की तरफ से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो बाला साहेब पाटिल यहाँ पर एनसीपी की तरफ से मंत्री बनाए गए हैं। यहाँ पर यशोमती ठाकुर जो है कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाई गई है और अनिल यहाँ पर परब जो है शिवसेना की तरफ से मंत्री बनाए गए हैं और जितेंद्र अवण जो है यहाँ पर एनसीपी की तरफ से कह सकते कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया है। केसी पाडवी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 4 करोड़ की इनके पास संपत्ति, 61 साल की है। और शंकर राव यहाँ पर बात करें तो निर्दलीय को इस बार कैबिनेट मंत्री में जगह दी है। बड़ी खबर है यहाँ पर कि एक ऐसे निर्दलीय को भी यहाँ पर, ये जो 3 दल की यहाँ पर सरकार, इसमें एक निर्दलीय को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। असलम शेख यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। आदित्य ठाकरे बड़ा नाम था, आदित्य ठाकरे, अशोक चौहान और यहाँ पर अजीत पवार, इन तीनों बड़े चेहरों को एक बड़ा यहाँ पर मंत्री मंडल दिया गया है। कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आदित्य ठाकरे को बनाया गया है। कुल यहाँ पर 29 साल के हैं, सबसे कम उम्र के हैं और युवा हैं और संपत्ति 17 करोड़ की है। उदय यहाँ पर सावंत को शिवसेना यहाँ पर कह सकते कैबिनेट मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र यहाँ पर जो एनसीपी की तरफ से हैं उनको यहाँ पर बनाया गया मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और नवाब मलिक को भी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बड़ा नाम है और काफी गद्दावर नेता माने जाते हैं यहाँ पर एनसीपी की तरफ से। और राजेश टोपे यहाँ पर जो एनसीपी की तरफ से यहाँ पर कह सकते हैं कि मंत्री बनाया गया। सुनील यहाँ पर केदार कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। संजय यहाँ पर राठौर यहाँ पर शिवसेना की तरफ से इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गुलाब राव पाटिल को एनसीपी की तरफ से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अमित देशमुख यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कांग्रेस की तरफ से बनाया गया। दादा को यहाँ पर कह सकते हैं शिवसेना की तरफ से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो ये 26 मंत्री जो कैबिनेट मंत्री थे उनकी लिस्ट थी। अब आपको 10 राज्य मंत्री जो बनाए गए हैं उनकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। अब्दुल सत्तार शिवसेना की तरफ से यहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं और सतीश यहाँ पर पाटिल को भी यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया गया है। और यहाँ पर शंभू राज देसाई को यहाँ पर शिवसेना की तरफ से यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया गया है। बच्चू कुट्टू को यहाँ पर संपत्ति इनके पास 2 करोड़ की है। और यहाँ पर अगर बात करें तो एक नए जो प्रहार जनशक्ति पार्टी से हैं तो इनको यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया गया। तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर है इस सरकार का कि एक निर्दलीय को यहाँ पर जो कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो एक राज्य मंत्री भी यहाँ पर जो प्रहार जनशक्ति है उनको यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया गया है। शिवजीत कदम को यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया गया है। और दंते यहाँ पर भड़के को यहाँ पर एनसीपी की तरफ से राज्य मंत्री बनाया गया है।
यहाँ पर अदिति को यहाँ पर कह सकते 31 वर्ष के हैं और यहाँ पर जो एनसीपी की तरफ से हैं उनको यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया गया था। संजय यहाँ पर बनसोड़े को यहाँ पर एनसीपी की तरफ से राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रज्ञा तनपुरी को यहाँ पर एनसीपी की तरफ से राज्य मंत्री बनाया गया है। तो राजेंद्र पाटिल को यहाँ पर, एक और नरदली को यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया गया। तो तीन बड़े चेहरे यहाँ पर सामने आए हैं, इसमें एक निर्दलीय को यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, तो दो राज्य मंत्री यहाँ पर अन्य दल को भी बनाया गया। तो शिवसेना की तरफ से बड़ा यहाँ पर फैसला है, जिसमें यहाँ पर अगर बात करें तो दो दो मंत्रियों ने पहले शपथ ग्रहण कर चुके थे, तो कुल मिलाकर 42 यहाँ पर मंत्रियों की शपथ ग्रहण हो चुकी है, जिसमें अगर बात करें तो 10 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर एनसीपी की तरफ से, 8 कांग्रेस की तरफ से, 7 शिवसेना की तरफ से, 1 निर्दलीय कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। और राज्य मंत्री अगर बात की तो एनसीपी की तरफ से 4 हैं, कांग्रेस की तरफ से 2 हैं और शिवसेना को 2, और 2 निर्दलीयों को यहां पर राज्य मंत्री बनाया गया। तो राज्य मंत्री 10 और 10 कैबिनेट मंत्री यहां पर बनाए गए हैं और 6 मंत्रियों ने ऐसे में पहले शपथ ग्रहण कर ली थी। तो ये महाराष्ट्र के लिए बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में 42 मंत्रियों की यहां पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब देखना ये होगा कि ये सरकार कितनी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।